सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो पोकेमोन यूनाइट। और भाई आज हम खेलने वाले हैं लुकारियो के साथ। तो भाई लास्ट वाली अगर तुमने ग्रेनिंजा की वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें एकदम न्यू बिल्ड क्रिएट किया था भाई, वो बहुत ज़्यादा ओपी था। अगर तुमने नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लेना। तो यार आज इसमें भी यार लुकारियो के साथ भी एकदम मैं न्यू बिल्ड क्रिएट करने वाला हूँ भाई, जो मुझे भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक लगी, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देते हैं। तो यार वीडियो के एंड तक जरूर देखना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो फिलहाल तो यार मैं टॉप पर आ जाता हूँ जल्दी से स्टैक वगैरह करने के लिए अपना। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टैक तो हो गया, अब जल्दी से अगर इसको ले लूँ तो सेकंड स्टैक भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे दूधरियो भी है वैसे टॉप पर, चलो मेरे को ये मैंने ले लिया ये वाला, अब जल्दी से सेकंड स्टैक अपना हो गया है, अब ये और ले लेता हूँ जल्दी से। चलो बढ़िया, वो बेचारा अभी ही भी है, चलो कोई नहीं। यहाँ पे मैं थर्ड स्टैक कर देता हूँ, अब यहाँ से ये टॉप वाला और ले लेता हूँ। यहाँ पे भाई दूधरियो है, चलो इसको मारा जल्दी से, चलो बढ़िया। अब यार मेरा यहाँ पे शायद फोर्थ स्टैक जल्दी से हो जाएगा कंप्लीट। ओ भाई जल्दी से फोर्थ स्टैक, मुझे नहीं लग रहा बच पाऊँगा यहाँ से स्टैक होने के बाद, क्योंकि भाई तीन तीन प्लेयर्स हैं यहाँ पे। चलो फिनिश हो गया भाई, मैं कोई नहीं यार, मतलब मेरा फोर स्टैक हो गया एक ही बार में, तो ये मेरे को अलग ही बेनिफिट देगा अभी गेम प्ले में। और यहाँ पर भाई मैं आज पावर पंच यूज़ करने वाला हूँ आज, क्योंकि एक्सट्रीम स्पीड वगैरह मैंने काफ़ी टाइम यूज़ कर रखी है काफ़ी देर से, तो पावर पंच भाई काफ़ी टाइम बाद यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ये सरी ना जाएगी पहले, तो चलो फिनिश ये। और यहाँ पे भाई ये मुर्गा और ये सिंड्रेस और है, चलो मुर्गे को ख़त्म किया, अब जल्दी सिंड्रेस को देखते हो। भाई साहब यार थोड़ा सा बच गया, वरना यहाँ पे तरी की स्ट्रीक निकलती, लेकिन ये बच गया। चलो मेरे को नहीं लगता फिनिश कर पाऊँगा इसको अब, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरी एच पी लो चुकी है। ओ भाई फिनिश हो गया, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा बचा था, बट मैं दोबारा से टॉप पर आ गया हूँ यहाँ पे। और भाई सरीना को फिर से फिनिश कर दिया मैंने, तो सरीना यार सिंपल सी बात है स्टैक करने के लिए आ रही होगी यहाँ पे बार बार, और भाई तुम्हें पता ही स्टैक करने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पे मुझे लगता है यार मेरे सारे स्टैक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और भाई दूधरियो मेरे से फाइट कर रहा है, निकल ही लेता हूँ पावर पंच मार के, भाग गया। चलो उसको देख के, एसपी उनको देख के भाग गया वो उधर, बढ़िया। अब यहाँ पे चलो मेरा स्टैक वगैरह नॉर्मली जितने थे वो हो गए, तो भाई अब ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, वहाँ पे बार बार जाना है नहीं, बस फाइट करनी है हमको। जल्दी से पहले इसको निपटाता हूँ, ये मुर्गा भाई बहुत ज़्यादा भाग रहा है। चलो फिनिश हो गया ये तो, बढ़िया। यहाँ पे अपना क्लोज कॉम्बैट भी ओपन हो चुका है अब। अच्छा यार तुम लोग ये बताओ, तुम्हें लुकारियो का क्लोज कॉम्बैट अच्छा लगता है या फिर सीजर का ब्लड पंच? मुझे तो यार यही अच्छा लगता है अपना लुकारियो का क्लोज कॉम्बैट, क्योंकि तुम देख ही सकते हो भाई यहाँ पे अभी सिंड्रेस को एकदम तुरंत ही फिनिश कर दी, और भाई गायब हो गई सरीना तो गायब हो गई, और दूधरियो भी चलो फिनिश हो गया। अब जल्दी से यहाँ पे स्कोर कर देते हैं हम लोग, और ये यहाँ पे हो गया डिस्ट्रॉय। ओ भाई डिस्ट्रॉय हो गया, मेरा क्लोज कॉम्बैट चल गया यहाँ पे। अब भाई रेजली की आने वाला है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तब तक तुम कमेंट बताओ कि तुम पोकेमोन यूनाइट खेलते हो या फिर ओनली एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस को देखते हो ऐसे ही। अब भाई रेजली की यहाँ पे बस आ ही गया, और हम लोगों ने रोटेशन ले लिया जल्दी से। अब यार जल्दी से इसको मेल्ट कर लेते हैं, और मैं तुमको बता दूँ मैं मतलब सोलो ही आया हूँ यहाँ पे, कोई नहीं है, सोलो खेल रहा हूँ लुकारियो। तो भाई जितने लोग भी बोलते हैं भाई सोलो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हाँ यार ऐसा तो होता है, लेकिन अगर टीममेट ठीक आ जाते हैं तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, और ऐसे मेरे साथ इस वाले गेम प्ले में हुआ, तो मैं सोलो गया तो मतलब ठीक ठाक प्लेयर आ गए मेरे साथ में, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, वरना तो यार मतलब बीच में ही एएफके हो जाते हैं, ऑफलाइन होकर छोड़ के चले जाते हैं बिल्कुल ही। खैर फिलहाल तो यहाँ पे हम लोगों ने रेजिलिकी को पुश करवा दिया, अब देखते हैं यहाँ पे अगर कोई फाइट करने का था भाई। चलो ग्रेनिंजा इसको पावर पंच मारा भाई, भाग गया। चलो यार बस यही प्रॉब्लम है इसमें क्लोज कॉम्बैट में, कि मतलब स्टेबल हो जाता है एक जगह, बट भाई ये वाला सीन देखो तुम लोग यार, यूनाइट मूव देखा तुमने कितना ओपी चला यार, मतलब मज़ा ही आ गया वाले यूनाइट मूव यूज़ करके मेरे को। अगर ऐसा यूनाइट मूव यूज़ होता है ना तो यार अलग ही डैमेज जाता है, एकदम खतरनाक वाला डैमेज जाता है। और यहाँ पे देखो मैं मिस्टर माइम को मार रहा था, लेकिन यार ये मतलब टाइमर था ना जो, वो ख़त्म हो गया यार रेजिलिकी वाला, वरना ये भी फिनिश होता, बट मैं फिनिश हो गया यहाँ पे उल्टा। कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैं फिर से आ गया हूँ बॉटम में। और भाई इधर सिंड्रेस में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है यार, हमारे ही मतलब साइड में घुसा ही जा रहा है उधर ही। चलो इसको भी देखते हैं, पहले इसको फिनिश करता हूँ जल्दी से, बढ़िया उसने सुला दिया, और यहाँ पे क्लोज कॉम्बैट चल गया, तुरंत फिनिश यार। तो तुम देख ही सकते हो यार मतलब कितना अच्छा है यार पावर पंच और क्लोज कॉम्बैट का कॉम्बिनेशन। भाई लुकारियो तुम्हें पता ही यार सबसे ज़्यादा ओपी, वो तो इसको नर्फ कर दिया, काफ़ी ज़्यादा नर्फ मिलता रहा है इसके बाद, ये अभी भी इतना अच्छा चल रहा है, सोचो यार पहले बहुत ज़्यादा ओपी था ये, और भी ज़्यादा क्लोज कॉम्बैट। भाई एक बार मारते थे ना तो पूरी एच पी फुल कर देता था, अब फिर भी ठीक है यार, फिर भी स्टेबल है थोड़ा अभी भी। खैर यहाँ पे हम लोग इसको ले लेते हैं, इसके बाद मैं टॉप पर जाऊँगा, क्योंकि यार टॉप पर आने वाला है अपना रेजिलिकी फिर से, क्योंकि फर्स्ट वाला तो हमने ले लिया था, अगर ये वाला भी ले लेते हैं तो यार इनके शायद हाँ बेस पर पुश होगा फिर वो, क्योंकि वो वाला भी डिस्ट्रॉय हो चुका है इनका गोल जोन टॉप वाला, तो बिल्कुल ही बेस में जाएगा इनके, तो ये वाले भी जल्दी से ले लेते हैं। अब यार चलो निंजा आ चुका है यहाँ पे, बढ़िया है निंजा ठीक ठाक खेल रहा है, बढ़िया ही खेल रहा है। चलो मिल गया हम लोगों को, और भाई सरीना यहाँ पे आई, निंजा ने अल्टी चला दी, और ये फिनिश होने वाली है। चलो फिनिश, पावर पंच पड़ा इसमें और ये फिनिश हो गई, बढ़िया। अब भाई ट्राई करेंगे रेजिलिकी को बेस तक पुश करने का इनके, क्योंकि अगर बेस में पुश हो गया ना तो काफ़ी ज़्यादा स्कोर हो जाएगा हमारा,
तो फिलहाल तो खैर यहाँ पे देखो इसको मैं कैसे फिनिश करता हूँ क्लोज कॉम्बैट से। सिंड्रेस को तुमने देखा भाई काफ़ी दूर से इसको फिनिश कर दिया यार। तो भाई बिल्ड अच्छा खासा काम कर रहा है ये वाला, तो बिल्ड मैं तुमको बता देता हूँ। मैंने इसमें यूज़ किया यार अटैक वेट, रेजर क्लो एंड फ्लोट स्टोन, और साथ में एम्बलम का जो स्क्रीनशॉट है तुम देख ही सकते हो। तो भाई काफ़ी बढ़िया बिल्ड है, तुम यूज़ करना और इसको बताना तुमको कैसे लगा। और भाई यहाँ पे देखो क्या होता है, ये पोस हो चुका है। अब जल्दी से मैं यहाँ पे यूनाइट भी यूज़ कर देता हूँ और स्कोर भी हो जाता है मेरा। और यार स्टन इतना ज़्यादा होता है ना यहाँ पे, भाई फिनिश ही हो जाता हूँ मैं। बट हाँ इतना अच्छा रहा कि मेरा स्कोर यहाँ पे हो जाता है बढ़िया। इसके बाद आ जाता हूँ मैं सीधे बॉटम में, और बॉटम में भाई कितनी ज़्यादा भीड़ लगी होती है यार तुम देख ही सकते हो। धीरे धीरे करके हम लोग सबको फिनिश कर देते हैं। भाई मैम बचा है यहाँ पे, जल्दी से इसको भी फिनिश कर देते हैं। चलो भाई मैम भी फिनिश हो गया, 4 प्लेयर्स ऑलरेडी डेड हैं, तो अच्छा खासा गेम अभी हमारा चल रहा है। और भाई अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि यार हमने बीच में काफ़ी दिनों तक वीडियो नहीं डाली थी एक भी, जिसकी वजह से यार चैनल की रीच में प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप लाइक कर दोगे तो चैनल की रीच फिर से फिक्स हो जाएगी। सो आई होप यार आप लोग कर दोगे। फिलहाल तो मैं बॉटम में होता हूँ, यहाँ पे सिंड्रेस होता है, यहाँ पे हम लोग बी वगैरह फार्म कर लेते हैं, उसके बाद मैं अलग साइड में हो जाता हूँ और भाई सिंड्रेस भी अलग साइड में हो जाता है। इसके बाद मैं बेस कर लेता हूँ टू दी बेस, क्योंकि हम लोगों को चाहिए यार लास्ट वाला रेजिले की। तुम देख सकते हो टॉप पर वो आ चुका है। और भाई यहाँ पे यार दोद्रियो यार, इसको मैं फिनिश करूँगा अभी, भाई बहुत तेज़ भागता है ना, इसको जल्दी से चलो फिनिश कर दिया। और भाई इसको भी फिनिश कर दिया सेवलाई ने, ग्रेड इंजा को। यार सेवलाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, अगर तुमने यूज़ नहीं किया तो भाई एक बार देखना खेल गया, काफ़ी बढ़िया है। तो भाई अब रेजिले की आ चुका है यहाँ पे, अब देखते हैं यार क्या होता है यहाँ पे। जल्दी से पहले तो इसको फिनिश करता हूँ मैं सिंड्रेस को, और यहाँ पे इसका यार माइम का वो लगा था वरना इसको भी फिनिश करता। खैर इसको जल्दी से मेल्ट कर देते हैं, अगर ये वाला मिल जाता है ना लास्ट वाला तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा फिर तो, और भी ज़्यादा स्कोर हो जाएगा। अब इसको ट्राई करते हैं लेने का, वो भाई बढ़िया, चलो मिल गया ये वाला। और भाई तीन प्लेयर्स डेड हैं अभी भी, मतलब टाइम आने वाला है लास्ट वाला और 4 प्लेयर्स डेड हैं इनके। बहुत बढ़िया यार, हम लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है लास्ट फाइट में, साथ ही में यार हमारा स्कोर बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि देखो ब्रेजिल की वहाँ पे उनके बेस पर जा रहा है। साथ में हम लोग रकाजा को भी मेल्ट कर लेंगे यहाँ पे, ऑलमोस्ट मतलब पॉसिबिलिटी यही है कि हम लोग इसको ले लेंगे, क्योंकि जब तक वो उसको रोकेंगे रेजिलिकी को, जब तक हम लोग इसको ले चुके होंगे। और तुम्हें पता ही है लास्ट टाइम वाला भी जो रेजिलिकी था वो इनके बेस में चला गया था, तो वहाँ पे भी हमने स्कोर काफ़ी ज़्यादा किया था, और भाई फाइनली हमने रकाजा भी ले लिया। तो यार अब देखो स्कोर काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, और 4-5 के 5 प्लेयर्स अभी इनके डेड पड़े हुए हैं यार, स्कोर सोचो कितना ज़्यादा होगा। अब जल्दी चलो, ओ भाई रेजिलिकी भी यहाँ पे पुश हो चुका है, बहुत बढ़िया यार, मतलब स्कोर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और डेड है सारे के सारे प्लेयर्स। अब देखते हैं यहाँ पे यार फाइनल फाइट होने वाली है सबके पास, मतलब हम लोगों में से ज़्यादातर लोगों के पास यूनाइट मूव है। और यहाँ पे देखो क्या होता है, मैं यूनाइट मूव यूज़ करता हूँ, भाई फ्रेम ड्रॉप इतना ज़्यादा होता है ना यहाँ पे, भाई बिल्कुल हो जाता है भाई, 4-5 प्लेयर्स यहाँ पे आते हैं। मैं क्लोज कॉम्बैट वगैरह यूज़ भी करता हूँ, बट देखो यहाँ पे क्या होता है, और भाई भाई क्या ही चल रहा है सीन यहाँ पे। चलो काफ़ी टाइम तक मैं बच गया, बट एंड में फिनिश हो गया यार, भाई अपोनेंट के सारे प्लेयर्स यहीं पर आके कूद गए, मतलब सारे के सारे यहीं पे आ गए। अब टाइमर मेरा तो काफ़ी लॉन्ग लगा है, और भाई चलो बढ़िया यहाँ पे हो जाता है सरेंडर, क्योंकि मतलब देख ही लिया तुम लोगों ने कोई फ़ायदा ही नहीं था अब कुछ करने का। और भाई स्कोर जैसे कि मैंने तुमसे कहा था भाई 1065 का स्कोर है, काफ़ी ज़्यादा स्कोर हो गया था। एंड भाई खेला मेरे 18 kills and 8 assists, तो भाई काफ़ी अच्छा खेला सब लोगों ने, हम लोगों ने सारी टीम काफ़ी अच्छा खेली, और जबकि हम लोग सोलो थे फिर भी काफ़ी अच्छा गया मैच। तुम देख ही सकते हो यार 86,000 का डैमेज है इस बिल्ड के साथ, तो भाई बिल्ड भी काफ़ी ठीक है। और मैंने तुमको जैसे कि बिल्ड बता ही दिया था, अटैक वेट, रेजर क्लो एंड फ्लोट स्टोन तुम यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा बिल्ड है और डैमेज भी इसका मतलब ठीक है। तो भाई फिलहाल तो वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड भाई कमेंट में बताना तुमको ये गेम प्ले कैसा लगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा।